Please subscribe Maddie Radar for all the updates and also press the bell icon to get notified firstly so that you won't miss any notifications. Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Adab, and good morning from Maddie. And this is a very interesting video for all the camera lovers and all the YouTubers out there. So in this video, I'm gonna show you my new Canon 10-18mm lens. So I'm very excited about it, and I'm also going to unbox this lens because I've ordered it from Amazon yesterday and I just received the parcel. But one thing I would like to tell you, if you are new to the channel, please subscribe to the channel for upcoming videos and upcoming vlogs, for entertaining and informational videos. Also, please press the bell icon to get notified firstly, because without pressing the bell icon, notification nahi aayega aapko. So anyways, let's begin with the unboxing and then I'll discuss the comparison between kit lens and my new lens, that is 10-18mm lens. So let's start with the video. Okay guys, so this is the product I have, और ये मैंने Amazon से मंगवाया, as you can clearly see. So चलो देखते हैं कि कैसा है अंदर से, and let's see what are the specification it has. So let's unbox it. So as you can clearly see, this is the Canon 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM lens. STM means it has a STM motor, and let's unbox it. So इसके साथ हमें मिला है ये मैनुअल इंस्ट्रक्शंस का कुछ बुकलेट है और कैनन सर्विस, आई थिंक दिस इज द वारंटी कार्ड, या इट्स अ वारंटी कार्ड, क्लियरली सी वारंटी कार्ड, और इस पर मैं अपना नाम वगैरह लिख के इसको इन केस अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है इस लेंस में तो आई कैन यूज इट. तो दिस इज द वारंटी कार्ड फॉर कैनन. सो अब बारी आती है इस शेर को खोलने की. इस शेर में क्या है ऐसा? I'm excited. This is the camera. Oh, sorry. Excited, but I'm wrong. So this is the lens I have. Canon. So आप अभी देख सकते हैं हमारे पास है Canon का lens, और इस lens की बहुत अच्छी अच्छी खासियत है, और it's looking so amazing. बहुत बड़ा lens है, उस जो मेरा अभी kit lens लगा हुआ है इस camera पे, उससे काफ़ी अच्छा है. And you can clearly see this is the Canon lens. So मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद आ जाऊँ सामने, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा दूर दूर से बात करते करते. Okay guys, so now we are done with the unboxing and this is the lens I have with me. और बहुत ही अच्छा लेंस है. आई नो मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी, इवन केसी नाइस्टेड यूज्ड टू हैव दिस लेंस, सो आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय दिस लेंस. अभी देखो, अब मैं यहाँ पे अगर इसको ऐसे जूम करूंगा तो दिस इज द किट लेंस आई हैव. सो किट लेंस इसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकता. ऑटो फोकस डज नॉट वर्क इन किट लेंस प्रॉपरली. ये जो एंगल है ये बहुत बड़ा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द वाइड एंगल. और जो ये किट लेंस है बहुत छोटा है. सो अभी जो मैं लेंस यूज कर रहा हूँ 18-55mm लेंस है जो इस कैमरे पे लगा है, एंड माई कैमरा इज 700D Canon EOS. सो जिसको रिबेल T5i भी बोलते थे. सो इस 700D पे मैं किट लेंस यूज़ कर रहा हूँ पिछले एक साल से. सो प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी, सो दैट्स व्हाई आई थॉट टू ऑर्डर दिस. और दिस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव लेंस आई नो, बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एंड आई हैव फ्यूचर प्लान्स. सो फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, और राइड में और बहुत अच्छा व्यू आता है. सो अभी मैं दोनों का कंपैरिजन भी बताऊंगा आपको. सो अभी मैंने जो किट लेंस है वो 18 पे सेट कर रखा है, और अगर मैं इसको 55 पे सेट करूँ देन इट विल लुक लाइक दिस. सो यू कैन सी ब्लर इफेक्ट ज़्यादा दे रहा है. बैक साइड ब्लर नहीं कि इसने फेस को ब्लर कर दिया, क्योंकि इसका जो ऑटो फोकस है वो डज नॉट वर्क वेल. अब मैं इसको फिर से 18 पे ले आता हूँ. अब मत, मैं बीच में कहाँ से आया था. सो 18 में ये सही रहता है, बट इसका जो एंगल है वो यू कैन सी यहाँ तक आ रहा है. अब इस लेंस को कंपेयर करते हैं इससे, और लेट्स सी कैसा है. और बेसिकली इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो वाइड एंगल है, और इसमें इमेज स्टेबलाइजर है. सो अगर आप फोटोग्राफी के लिए भी आप इसको यूज़ करो तो बहुत अच्छी इमेजेस आएंगी, और यू कैन गूगल आउट दोज इमेजेस फ्रॉम दिस लेंस. अच्छी इमेजेस है, स्टेबलाइजिंग होता है. और अगर जब आप व्लॉग करते हो इट्स लाइक दिस, तो ये जो आपका जो जो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, मतलब आपका जो बैकग्राउंड ज़्यादा हिलेगी नहीं, पूरी वीडियो को स्टेबलाइज करेगा. तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस लेंस. और ये लेंस अभी इसमें लगा के देखते हो. ओके गाइस, सो नाउ आई एम यूजिंग द न्यू लेंस 10-18mm लेंस, एसटीएम मोटर वाला लेंस. और इस लेंस की खासियत देखो, आई कैन क्लियरली सी इन द डिस्प्ले, की डिस्प्ले पे देखो कितनी क्लियर इमेज आ रही है, और सब कुछ एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली. अगर हम किट लेंस में यूज जो कर रहा था उसमें ऑटो फोकस करता तो कर 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 की आवाज आ रही थी, दैट इज वेरी अनोइंग. और बार बार मुझे इसको ऑटो फोकस में सेट करके मैनुअल पे सेट करना पड़ता था. नाउ यू कैन क्लियरली सी दिस इज द 10-18mm लेंस, और बहुत ही क्लियर इमेज ले रहा है. कलर सब कुछ अच्छा लग रहा है मेरे को, तो बहुत अच्छा लग रहा है.
प्लीज कमेंट डाउन आपको कैसा लग रहा है। और रुको इसकी खासियत देख के जाओ, ये है 18mm लेंस अभी, जो पहले मेरा था 18mm पे सेट और मैंने इसको मैनुअल मोड पे चलाया। अब इसका वाइड एंगल देखो, और अब ये हो गया है वाइड एंगल लेंस, सो दैट मींस इट हैज बीन सेट टू 10mm लेंस। ओ माय गॉड, कितना कुछ दिख रहा है मेरे घर में, गद्दा पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, अलमारी मेरा तक दिख गई। एनीवेज, तो जो पीछे वाला बैकग्राउंड था ये क्लियरली सी, कुछ मैंने कुछ क्रिएटिव करने की सोची है, तो काफी कुछ चीजें लिखी हैं जो किट लेंस में नहीं दिख रही थी, एज इन क्लियरली सी द इमेज, उसमें आपको जो पीछे वाली इमेजेस थे वो सही से नहीं दिख रही थी। यू कैन सी इन दिस लेंस की एवरीथिंग इज लुकिंग सो फैबुलस, और अगर आप इसको व्लॉग करते हो तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिल सकता है पीछे का। इफ यू आर व्लॉगिंग लाइक दिस तो आपको पीछे का जितना भी व्यू है वो बहुत अच्छी तरह मिलेगा, और अगर किट लेंस यूज कर रहे हो तो बहुत ही कम व्यू मिलता है। सो आपको पता ही ऑलरेडी इस लेंस की खासियत, एंड दिस लेंस अंदर कर ले तो पता नहीं क्या क्या दिख जाएगा आपको। अबे तू क्यों गिर रहा भाई? ये लेंस मुझे 18,775 रुपीस का पड़ा, Amazon से मैंने लिया है। Yeah, it's quite expensive lens. There are other lenses in the market, but for vlogging, this is the best lens. I must say. Also, guys, one more thing I would like to add कि अगर मैं इसको अपनी इमेज को अगर मैं आगे पीछे करता हूँ, so when it auto focuses, इसमें कोई भी आवाज नहीं आती है और बहुत ही easily auto focus करता है। Let me show you. अगर मैं यहाँ गया और मैं फिर यहाँ पे आया, सो इसने ऑटो फोकस भी किया और आपको कोई आवाज नहीं आता। अभी ये ऑटो फोकस पे सेट है, लेकिन क्लियरली से देखो मैं आगे पीछे हो रहा हूँ और ये अपने आप ऑटो फोकस ले रहा है। ये देखो, इट्स नॉट ब्लर। अगर मैं यही किट लेंस मैनुअल कर रहा था तो बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा था। सो दिस इज एडवांटेज ऑफ दिस लेंस, इन्हीं लेंस से आप अपनी अच्छी वीडियोस बना सकते हो, उसमें ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा लेंस है, और बहुत सारे शॉट्स लैंडस्केप्स वगैरह माउंटेन्स वगैरह अगर शूट करने हैं तो बहुत अच्छा भी मिलेगा। एक टाइट स्पेस में भी अगर आप काम कर रहे हो, यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी वाइडर व्यू। सो अभी तक अगर आपको क्लियर नहीं हुई पिक्चर, विच इज द बेस्ट लेंस फॉर ब्लॉगिंग, सो आई वुड से 10 to 18mm लेंस, गो फॉर दिस लेंस, बहुत अच्छा लेंस है। आपको आप अभी इमेज देख के देख लो, अगर आप इसी इमेज को किट लेंस से कंपेयर करते तो बहुत कम लगते। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, आई जस्ट वॉन्टेड टू कंपेयर बोथ द किट लेंस एंड दिस लेंस, एंड आई हैव ऑल्सो अनबॉक्स्ड इट वेल। सो आई एम रियली हैप्पी कि मेरे पास अब ये वाला लेंस है, और अब इस लेंस से बहुत सारी मस्ती होगी, बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे। बहुत दिनों से मैं इसको लेने की सोच रहा था, पैसे पुसे जमा किए और फाइनली आई गॉट दिस लेंस। सो गाइज, इफ यू रियली लाइक द वीडियो, सो प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड अपकमिंग व्लॉग्स फॉर एंटरटेनिंग इन्फॉर्मेशनल वीडियोज, बिकॉज अब इस लेंस से बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे और मैं शूट करूंगा। मुझे वेरी वेरी एक्साइटेड कि मैं कब इस लेंस से पहला व्लॉग शूट करूंगा, या फिर राइड पे जाऊंगा या फिर नॉर्मल व्लॉग करूंगा। So I'm very very excited. So thank you so much for watching this video. It's goodbye from my side. Ride hard, ride safe, ride happy, ride confident. And please do take care very good of yourself. And what? Khao piyo, ash karo, maze karo, kya pata, kal ho na ho. And if you have any doubts over this lens, so you can comment down in the video. I will definitely answer you. This is the best lens for vlogging, I must say. And go for it if you have budget. And if you don't have budget, save karte raho. Ek din zarur le loge. So thank you so much for watching this video. Goodbye. Take care.